दोस्तों, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आज एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। तो दोस्तों, आज की आज जो है मैं धोबी के पास जा रहा हूँ अपने कपड़े देने। डेली रूटीन के व्लॉग्स में यही होगा भाई, अगर डेली रूटीन के व्लॉग्स देखना है तो उसमें कभी आपको धोबी मिलेगा, कभी उसमें आपको नाई मिलेगा, कभी उसमें आपको मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलेंगी। तो खैर, अभी चलते हैं धोबी के पास, मैंने अपने कपड़े देने और वहाँ से कपड़े उठाने भी हैं। तो ये मत समझिएगा कि मेरा घर बाहर नहीं है, तो घर पे क्यों नहीं कपड़े धुलवा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह घर बाहर है, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो घर पे धुल तो जाते हैं लेकिन वो इस्त्री नहीं हो सकते, तो इसीलिए जो है धोबी को देना पड़ जाता है। तो खैर, चलते हैं धोबी के पास, वहाँ कपड़े देख लें और वहाँ से उठाने, फिर उसके बाद देखें क्या तरतीब है, वो आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कहाँ है? इधर ही है, क्या करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है कराची में। भाई ये हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, सखावत साहब, जिन्होंने मुझे ब्लॉग स्टार्ट करते हुए देखी और पीछे से इन्होंने मुझे आवाज़ मारी ब्लॉग है। मैंने सिर्फ ब्लॉग में आवाज़ मारी है, मैंने ये नहीं कहा है मुझे भी आप वीडियो में। चले, खैर मेरा तो फर्ज बनता है ना, मैं अपनी ऑडियंस को आपका चेहरा मुबारक दिखाऊँ, चेहरा अंदर देता हूँ। बिल्कुल लाजिम है, लाजिम है, जब तक चेहरा मुबारक नहीं देखेंगे पता कैसे चलेगा कि रोज़े में सूरत हाल क्या होती है। अभी दो उंगलियाँ दिखा रहे चल रहे हैं भाई। आज गर्मी कैसी है काका? गजब की गर्मी है। गजब की गर्मी है, गजब की गर्मी है, गजब 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 की गर्मी है भाई, आज गजब की गर्मी है काका फरमा रहे। चलें जी, चलें जी, मैं तो पहुँच गया धोबी के यहाँ। ये खुबैब के कपड़े हैं, ठीक है, और पुराने कपड़े देते हैं, बिल बताएं क्या है। इससे पहले मिल जाए, ये अलग करके लिखवा दे किसी ने। भाई लेने के लिए गया हुआ है काका, सामने मेडिकल पे खड़ा हुआ है, इंतज़ार कर रहे हैं उसका। भाई रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ये शुक्र है कि पंचर की दुकान सामने थी और भाई जो है वो टायर खोल लें, पंचर सेट करके देते हैं हमें। यार ये भी एक बड़ी परेशानी होती है कि अगर सफ़र के दौरान टायर पंचर हो जाए या तो कोई मसला हो जाए ना, तो बड़ा रो रहा और ऊपर से टायर पंचर और गर्मी मामला ख़राब हो। जी यहाँ से मिलती है डबल रोटी, जिसे अमूमन लोग अफगानी रोटी बोलते हैं, 100 रुपये की दे दें, 100 रुपये की, 100 रुपये की, हाँ बस ठीक है ना। ये रोटियाँ भी ले ली, और क्या लेना? बस दो रोटियाँ ली हैं तुमने, चार है, दो और गए। हाँ अच्छा, वाह भाई ये रोटियाँ ले ली हैं, मैं चलिए उठा सकता हूँ ना सकता। ये शायद है जी रोटी का, मैं आप बेहतरीन छोटा बच्चा आराम से इसमें बैठ सकते हो, उसका बिस्तर बन सकता है। चलें चलें दोस्तों, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।